तो गाइस Vivo Y20 इस फ़ोन में आपको कहीं पे भी फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर इसमें तो जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन है वो इसमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो जो हमारी जो SD कार्ड है, जो मेमोरी है, वो हमने लगा रखी है जब, या फिर हमें किसी फोल्डर को कॉपी करना है या किसी वीडियो को कॉपी करना है, तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस इसमें तो फाइल मैनेजर का ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घबराने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। मैं आपको इसी फ़ोन में Vivo Y20 में फाइल मैनेजर का ऑप्शन इनेबल करके आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन है मोबाइल की, यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे भी मेरे यहाँ पे इसमें फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। हालांकि इस फ़ोन में फाइल मैनेजर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया ही नहीं है गाइस, कंपनी ने इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप पॉज करके देख सकते हो, इस फ़ोन में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ और चला जाता हूँ गूगल प्ले स्टोर में। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर देना है फाइल मैनेजर। जैसे ही फाइल मैनेजर को सर्च करोगे ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हालांकि आपको बहुत सारे फाइल मैनेजर देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करूँगा Xiaomi का। यहाँ पे दोस्तों Xiaomi का जो फाइल मैनेजर है गाइस वो काफ़ी बढ़िया और वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको जो मर्जी पड़े वो फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर लेना है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो Xiaomi का जो यहाँ पे फाइल मैनेजर है वो काफ़ी बेस्ट है। तो चलिए ये इंस्टॉल होने देता हूँ। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट होने में आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो हमारी फाइल जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है, अब ये इंस्टॉल हो रही है गाइस। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको करना क्या, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में बस इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। तो मैं एग्री कर देता हूँ और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, जैसे कि फ़ोटो और मीडिया, और यहाँ पे ट्राई कर देना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सामने आपके सामने फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको बैक कर देता हूँ और मैं आपको फिर से ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। ये हमारे यहाँ सामने फाइल मैनेजर का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। मैंने पहले से ही इसको यहाँ पे, हमने इसको गूगल प्ले स्टोर में से ही ओपन कर लिया था। यहाँ पे मेरे कुछ यहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो तो क्लियर का मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रिकमेंडेड जो वीडियो आपने बनाई वो यहाँ पे ऑडियो वीडियो जो भी है यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जो फाइल का यहाँ पे ऑप्शन है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे SD कार्ड का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी इसमें इनेबल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।